नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल सरकार जॉब न्यूज में। इस वीडियो में 20 सितंबर 2018 के सभी करेंट अफेयर्स हैं। इसका PDF और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है, इसके तहत इनमें से क्या लागू होगा? आंसर है 3 तलाक अपराध माना जाएगा। देखिए, 3 तलाक पर केंद्र सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दी थी, इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूर कर दिया है। और मुख्य बातें क्या होगी, ये अपराध संज्ञेय तभी होगा जब महिला खुद शिकायत करेगी या फिर खून के रिश्तेदारी में कोई शिकायत करेगा। संज्ञेय का मतलब है कॉग्निजेबल, ठीक है। इसमें जमानत मिल सकती है, मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष सुनने के बाद चाहे तो बेल दे सकता है। महिला अगर चाहे तो समझौते का विकल्प खुला रहेगा, पत्नी की पहल पर हो सकता है ये समझौता। एक और बात बता दूं कि लोकसभा से पारित होने के बाद 3 तलाक का जो बिल था वो राज्यसभा में अटक गया था विपक्ष की कुछ आपत्तियों की वजह से, तो अब अध्यादेश को लागू कर दिया गया है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के आग्रह पर कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, 2022 एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है हांगजो। देखिए, एशियाई पैरालंपिक कमेटी यानी APC ने अभी हाल ही में पुष्टि की है कि चीन का जो शहर है हांगजो, वो 2022 में एशियाई पैरालंपिक खेलों का 4th संस्करण की मेजबानी करेगा। देखिए, 2022 में एक और गेम होना है, एशियन गेम्स, तो उसकी मेजबानी भी हांगजो करेगा, ये पहले ही तय हो चुकी थी। तो अब एशियाई पैरालंपिक खेलों का जो 2022 का गेम्स है उसकी मेजबानी भी हांगजो को ही घोषित कर दिया गया है। यहाँ बता दूं कि एशियाई पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं मजीद रशेद, ठीक है, और ये जो इसका मुख्यालय है दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, US इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के बोर्ड में किस भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है अभी हाल ही में? आंसर है SJ, वो भारत के विदेश सचिव थे, ठीक है, और इस वक्त टाटा कंपनी में काम करते हैं, उन्हें ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स के मामले को देखना होता है। तो इस वक्त भारत के विदेश सचिव हैं विजय गोखले, ठीक है, विजय केशव गोखले। अगला क्वेश्चन होगा, भारत बांग्लादेश मैत्री उत्पाद पाइपलाइन परियोजना हाल ही में शुरू की गई, ये पश्चिम बंगाल के किस शहर को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ेगी? आंसर है सिलीगुड़ी। देखिए, इस परियोजना में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन निर्माण शामिल है और ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर से जुड़ जाएगा। देखिए, 6 किलोमीटर इलाका जो है वो भारत में होगा और बाकी 124 किलोमीटर का जो इलाका होगा, पाइपलाइन होगी, वो बांग्लादेश में होगी। तो असम के नुमालीगढ़ से पार्वती डिपो को डीजल की आपूर्ति की जाएगी, पहले ऑयल जाएगा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी, उसके बाद इस पाइपलाइन के थ्रू ये बांग्लादेश में चला जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 346 करोड़ रुपए होगी और 30 महीने के भीतर इसे पूरा कर लेना है। पाइपलाइन की क्षमता 1 मिलियन मैट्रिक टन होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, इसका नाम बताएं? आंसर होगा E-सहज। देखिए, इससे सिक्योरिटी क्लियरेंस आसानी से मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? आंसर है तजिंदर मुखर्जी, वो पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस में GM थी। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में कुछ बता दूं आपको, इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में और भारत की सबसे पुरानी सामान्य बीमा कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मुख्यालय इसका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, शाहपुर कंदी बांध परियोजना के लिए पंजाब और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए, इस बांध परियोजना को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और ये जो बांध होगा वो पठानकोट पंजाब में होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व एशियाई खेलों के चैंपियन गणपत राव अंडलकार किस खेल से जुड़े थे जिनका 17 सितंबर 2018 को निधन हो गया? आंसर है कुश्ती। देखिए, वो एशियाई खेलों के चैंपियन रह चुके हैं और उनका निधन जो है अभी 17 सितंबर को पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में, वो 83 ईयर के थे। यहाँ बता दूँ कि 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अंडालकर ने
1960 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भी जीता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको का उच्चतम नागरिक सम्मान मैक्सिकन ऑर्डर द एजटेक ईगल किस भारतीय को दिया गया? आंसर है रघुपति सिंघानिया, वो जेके टायर कंपनी के चेयरमैन हैं। देखिए, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मुद्रा है वहाँ की मैक्सिकन पेसो और राष्ट्रपति है इनरिक पेना नीटो। अगला क्वेश्चन है, जापान ओपन 2018 का महिला खिताब किसने जीता? आंसर है कैरोलिना मैरिन। अगला क्वेश्चन है, जापान ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर है केंटो मोमोटा। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? आंसर है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला इंटरनेशनल मकॉम संगीत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है उज्बेकिस्तान हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार ने मिलकर कितने राज्यों के लिए $33.5 मिलियन की एक कृषि परियोजना शुरू की है? आंसर है 5 राज्यों में। कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के कार्यबल विकास परियोजना यानी वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $74 मिलियन का विश्व बैंक के साथ एक वित्त पोषण ऋण समझौते पर सिग्नेचर हुआ है? तो आंसर है उत्तराखंड, वहां पर वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए नए सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा कमलेश नीलकंठ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली लॉन्च की है? आंसर होगा इसका ओडिशा। देखिए, इस राज्य के इंडस्ट्री को स्टार रेटिंग दी जाएगी, अच्छा प्रदर्शन करने वाले को बढ़िया रैंकिंग मिलेगी, इससे प्रतिस्पर्धा होगी कि पॉल्यूशन कम से कम उत्सर्जित करे। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो मैंने कल के करंट अफेयर्स वीडियो में लिया था, लेकिन किसी वजह से एक चूक हो गई थी। ये क्वेश्चन था, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, आप लोग अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में इसको ठीक कर लीजिएगा, कल चूक से चीन मैंने बता दिया था, सही आंसर है जर्मनी। तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके आंसर और सबसे पहले जवाब देने वालों के नाम कल के वीडियो में आएगा। आज थोड़ी देर हो गई है मुझे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें करंट अफेयर्स देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।